है गाइस, तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख के समझ चुके होंगे, आज का वीडियो जो बहुत ही ज्यादा धांसू होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के डेट में जो फोन लेके आया हुआ है ना, बहुत ही ज्यादा ये तगड़ा फोन है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर पूरा देख लीजिएगा तो आप समझ जाइएगा वीडियो किस कैसा आपको फोन देने वाले। और दोस्तों, ये बिल्कुल गेमिंग फोन है, और दोस्तों गेम जितना चाहे उतना खेल सकते हैं, कोई तरह का किंतु परंतु नहीं है। ये Redmi की तरफ से है X3। और दोस्तों, Redmi का जो फोन होता है, इसमें आपको फीचर्स की बात करें तो फीचर्स बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है, और सबसे सस्ता फोन देता है Redmi ने। और दोस्तों, फीचर्स सबसे अलग देता है और सबसे ज्यादा फीचर्स आपको मिल जाता है Redmi फोन में। और दोस्तों, ये फोन जो है बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। तो चलिए इनके लुक के बारे में बात करते, उनके बाद बात करेंगे क्या क्या फीचर्स आपको मिलता है इसके अंदर, और दोस्तों कैसा रहेगा ये फोन लेने के बाद। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बात कर लेते हैं इस फ्रंट साइड की। तो दोस्तों, फ्रंट साइड आप देख पा रहे हैं पूरा HD क्वालिटी में, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं, फुल HD क्वालिटी आपको मिलने वाला है डिस्प्ले। और दोस्तों, ये डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले के ऊपर आपको फ्रंट साइड में एक नहीं दो कैमरा मिलने वाला है। और दोस्तों, दोनों कैमरा जो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आपको मिलने वाला है। फर्स्ट कैमरा की बात करें तो फर्स्ट कैमरा आपको 32 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। फ्रंट साइड की बात कर रहे हैं, फ्रंट साइड में आपको 32 मेगापिक्सल का फर्स्ट कैमरा मिलेगा। और सेकेंड कैमरा की बात करें तो वो 8 मेगापिक्सल का मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा फोन होने वाला है। और दोस्तों, बात करें अब बैक साइड की, तो बैक साइड में आपको मिल जाएगा 4 कैमरा, जो कि चारों कैमरा बहुत ही ज्यादा धांसू मिलने वाला है। और दोस्तों, इसमें आपको स्कोप की बात करें तो स्कोप बहुत ही ज्यादा जूम की बात करें, स्कोप की बात करें तो इसमें 60x तक का स्कोप मिल जाएगा। और दोस्तों, बहुत ही ज्यादा आप स्कोप करके फोटो ले सकते हैं। और दोस्तों, कितना भी दूर का फोटो लीजिएगा तो इसमें आपको कहीं भी फटने का कोई भी चांस ही नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों इसका हम बात करें तो बैक साइड की, तो बैक साइड में आपको मिल जाता है 4 कैमरा। और दोस्तों, जो कि फर्स्ट कैमरा आपको मिलेगा 64 मेगापिक्सल का, सेकंड और थर्ड कैमरा मिलेगा 8 मेगापिक्सल का, और फोर्थ कैमरा जो है आपको 2 मेगापिक्सल का मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा अपने आप में जबरदस्त होता है। और दोस्तों, जबरदस्त फोन हम इसलिए लेके आते हैं ताकि आप लोग बढ़िया से बढ़िया और सस्ता से सस्ता फोन ले पाए। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके साइड की। तो साइड की जब बात करने आते हैं, तो दोस्तों साइड में आपको बता दें कि यहाँ पे साइड फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। राइट साइड में आपको 2 बटन मिल जाएगा, जो कि पावर बटन होगा, वॉल्यूम बटन होगा। तो दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा तगड़ा। और दोस्तों, इसके साइड में आपको लेफ्ट साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा लुक बहुत ही बढ़िया देता है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, और दोस्तों इसके नीचे के बारे में, नीचे और ऊपर के बारे में। तो नीचे के साइड में आपको स्पीकर मिल जाता है, टाइप सी का चार्जर मिल जाता है, और ऊपर के साइड में एक छोटा सा जो कि माइक की तरह दिखने वाला ये आपको मिल जाता है, जो कि टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं, टीवी का रिमोट आप बना सकते हैं इसके जरिए। और दोस्तों, माइक मिल जाता है नीचे के साइड में। और दोस्तों, इसमें और भी ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। तो चलिए बात करते इसके बारे में कैसा है आपको ये फोन रहने वाला है। और दोस्तों, ये फोन जो है आपको जो है, सबसे पहले बात करें तो इसका प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा तगड़ा 855 का है। और दोस्तों, 855 का जो होता है बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है। और दोस्तों, इसका टच की बात करें तो टच जो है 120 हर्ट्ज का मिलने वाला है। और दोस्तों, 120 हर्ट्ज का जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है, क्योंकि दोस्तों जितना फास्ट काम कर सकते हैं उतना फास्ट ये वर्क करने वाला है, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं भी, कहीं भी फंसने का कहीं भी कोई भी चांस नहीं मिलने वाला है। और दोस्तों, अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें आपको रैम कितना GB मिलने वाला है। तो रैम आपको 12 GB मिलेगा, और इंटरनल की बात करें तो इंटरनल आपको 256 GB मिलने वाला है। और दोस्तों, इसके डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच का आपको डिस्प्ले फुल HD मिलने वाला है। और दोस्तों, बैटरी की बात करें तो बैटरी आपको 4200 mAh का मिलने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है 4200 mAh का। ऐसे तो हम यूज करते हैं 4500 mAh का, लेकिन दोस्तों 4200 mAh का ये फोन के ऊपर डिपेंड करता है कैसा चलने वाला है। और दोस्तों, Redmi का जो है बहुत ही ज्यादा तगड़ा फोन होता है, क्योंकि दोस्तों हमने 1-2 महीना नहीं, 5 साल तक Redmi को यूज किया, और दोस्तों Redmi बहुत ही ज्यादा तगड़ा फोन आता है। और दोस्तों, इसके बारे में ऐसे तो हमने पूरी जानकारी दे दी है। और दोस्तों, अगर कोई भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रहा है, तो दोस्तों इसमें आपको एक चीज और बच गया था, जो कि आपको चार्जर मिलने वाला है। चार्जर आपको 30 वाट का मिलने वाला है, जो कि 30 वाट का आपको चार्जर मिलेगा। और दोस्तों, ये 30 वाट का चार्जर जो मिलेगा आपको 40 मिनट के अंदर फुल चार्ज करके दे देगा फोन। तो दोस्तों, आप फुल चार्ज करके आप पूरा दिन यूज कर सकते हैं, कोई तरह का कहीं भी किंतु परंतु नहीं है, जितना मर्जी उतना कर आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया ये फोन कैसा है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप अपना डिसाइड जरूर कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।